आज हम कक्षा 10वीं में विज्ञान विषय में जो हमारा पहला पाठ था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो ये इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। और अभी जो नया कोर्स आपका आया है तो ये पहला पाठ ज्यों का त्यों है। इससे पहले वाले अध्याय में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब आपका ये जो अध्याय 1 है ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मतलब ये पूरा आएगा और इस लेसन में से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आएंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आ सकते हैं। तो इसमें से ये कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, तो ये लेसन जो कि आप पढ़ चुके हो और इसमें से कुछ 9th में भी पढ़ चुके हो, तो हम एक-एक प्रश्न को आपको समझाते हैं और बताते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? अब प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन नहीं है तो आपको भौतिक परिवर्तन के बारे में मालूम होना चाहिए कि वह परिवर्तन जो एक बार हो जाए तो उसको पुनः हम उसी अवस्था में ला सकते हैं, मतलब परिवर्तन फिर से हो सकता है, तो वो परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। तो अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, तो हम देखते हैं। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन मतलब जो एक बार हो जाए फिर से हम उसको पुनः पहली वाली अवस्था में ना ला सकें तो वो परिवर्तन क्या होगा? रासायनिक। और भौतिक का मतलब है कि उसको हम पुनः पूर्व अवस्था में ला सकते हैं। तो हम एक एक ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ना है। पहला दिया है कि खौलते पानी से जल वाष्प बनना। पानी आपको मालूम है, पानी का सूत्र क्या है? H2O, ये जल है। और जब हम जल को गर्म करते हैं तो क्या बनती है? वाष्प। वाष्प का सूत्र भी क्या है? H2O। यदि हम जल को जमाते हैं तो क्या बनता है? बर्फ। और बर्फ का सूत्र भी क्या है? H2O है। तो हम देखते हैं कि प्रश्न ध्यान से देखेंगे, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो ए वाला तो भौतिक परिवर्तन है तो ये आंसर नहीं हो सकता। बर्फ का पिघलकर जल बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। नमक को आप पानी में घोल दो और उसके बाद हम वापस नमक और पानी को अलग-अलग प्राप्त कर सकते हैं। आप गर्म करेंगे तो पानी भाप बनकर इकट्ठा कहीं कर सकते हो और नमक नीचे रह जाएगा। सिर्फ यहाँ पर जो डी उत्तर है, एलपीजी का दहन। एलपीजी आप जानते ही हो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो जो एलपीजी है, यदि गैस एक बार जल जाती है, दहन माने होता है जलना, दहन, दहन का मतलब होता है जलना। यदि गैस एक बार जल चुकी है तो वापस एलपीजी में नहीं बदल सकती, तो ये परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। तो हमारा प्रश्न था कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। तो हम जब उत्तर चुनते हैं तो हमें 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो हम चुन रहे हैं उसके बाद हम जब दूसरा पढ़ें हो सकता है वो सही निकल जाए। अब दूसरा प्रश्न है, इसमें से नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत है। आपने रासायनिक समीकरण पढ़े हुए हैं, रासायनिक समीकरण, तो यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, पीबीओ। पीबीओ को आप क्या पढ़ोगे? पीबी है लेड, पीबी क्या है? लेड। और जब इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो इसका नाम हो जाता है लेड ऑक्साइड। ये जो पीबीओ है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? लेड ऑक्साइड। और पीबी लेड, और लेड का ही दूसरा नाम क्या है? शीशा। क्या नाम है? शीशा। इसको
फीबी शीशा हुआ, और जो ये देखिए फीबी शीशा और पीबीओ लेड ऑक्साइड, ये क्या होगा? लेड ऑक्साइड इसका नाम है। या आप 9th में भी पढ़े हो और 10वीं में भी शुरू में पढ़ चुके हो। तो अब ये जो लेड ऑक्साइड है ये, और ये कार्बन से क्रिया कर रहा है, कार्बन का संकेत आपको मालूम है क्या है? सी है। और ये जो कोष्टक में एस लिखा हुआ है, ये जैसे पी बी सी लिखा है, सी के आगे आपने कोष्टक में एस, एस का मतलब है ये ठोस अवस्था में है, सॉलिड। सॉलिड के लिए हम क्या लाते हैं? एस। ये एक रासायनिक समीकरण है, तो ये इससे क्रिया कर रहा है, तो पीबीओ, पीबी जो ओ है वो पीबी में बदल रहा है, और जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रही है। अब यहाँ पर थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अप चयन। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। और किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा? अपचयन। तो ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है? उपचयन। तो यहां पर हम आपको पुनः ऑक्सीकरण और उपचयन के बारे में बतलाते हैं, तब आपको ये आंसर आप सही दे सकते हो। आप ऐसे मतलब तुक्केबाजी करके कोई भी निशान लगा दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण या उपचयन। या इसका दूसरा नाम है उपचयन। और ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का हटना, अपचयन। दो शब्द हैं, उपचयन और अपचयन। जब आप इसका अर्थ समझोगे तभी आप ये क्वेश्चन हल कर सकते हो। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा जटिल प्रश्न है, आपको चार ऑप्शन दिए हैं, उसके बाद फिर उत्तर दिए हैं ए बी सी डी, तो आपको इसमें से सही चुनना है। तो इसमें शीशा अपचयित हो रहा है, तो यहाँ तो लेड ऑक्साइड का शीशे में अपचयन हो गया, शीशा अपचयित हो रहा है, ये शब्द इसमें मैच ही नहीं कर रहा। लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है यहाँ पर? जो वो उसका अपचयन हो रहा है किसमें? क्योंकि इसका ऑक्सीजन क्या हो रही है? पीबीओ में से ऑक्सीजन हट रही है और पीबी में अपचयन। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये गलत है। फिर दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इस पक्ष में है ही नहीं है, वो तो जो कार्बन है उसमें से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कार्बन का उपचयन हो रहा है। तो ये जो सेकंड सेंटेंस है ये भी यहाँ पर मतलब मैच सही नहीं लग रहा है। तीसरा है कार्बन उपचयित हो रहा है, ये कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है? उपचयन। तो ये कथन हमें सही लग रहा है तीसरा। चौथा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन क्या हो रही है? निकल रही है। तो ये कथन भी सही है। अब हम इसमें से ये देखना है पहला और दूसरा, तो ये दोनों कथन पढ़ने में एकदम गलत लग रहे हैं, तो ए देखते हैं, बी देखते हैं, पहला और तीसरा। तो पहला
तीसरा तो सही हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, तो ये वाला कथन भी इसको नहीं कह सकते हैं। हमें असत्य कथन छांटना है, तो इसमें जो उत्तर आएगा वो क्लियर है, पहला उत्तर आएगा। अब आपको यहाँ फिर से ऑक्सीकरण और उपचयन अपचयन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उपचयन और अपचयन। तो इसको आप कोई विशेष पहचान से उल्टा ना कर दो आप, क्योंकि उपचयन और अपचयन देखने में ऐसा उप और अप का अंतर है। तो इसमें आपको ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन और ऑक्सीजन का हटना अपचयन। तो इस प्रकार ये जब आपको अर्थ मालूम होगा तो आप इस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल कर सकते हो। अब एक और वस्तुनिष्ठ है यहाँ पर, ये समीकरण देख रहे हैं आप, ये वाला Fe2O3 प्लस 2Al इजिकल Al2O3 प्लस 2Fe। तो ये भी एक रासायनिक समीकरण है। Fe2O3 आपको मालूम है, ये Fe2O3 ये है आयरन ऑक्साइड, और Al है एल्यूमिनियम, ये धातु है और ये यौगिक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर Fe2O3 जब एल्यूमिनियम से क्रिया करता है तो आप देखते हो कि ये जो आयरन है ये हट गया है, ये देखो, और इसकी जगह क्या आ गया है, एल्यूमिनियम। तो इस यौगिक में से इस धातु ने क्या किया, इस वाली धातु को क्या कर दिया, हटा दिया, विस्थापित कर दिया। देखिए Fe क्या हो गई है, अलग है। आपने बहुत सारे अभिक्रिया के प्रकार पढ़े, तो संयोजन क्रिया अभिक्रिया का मतलब है जुड़ना, वियोजन अभिक्रिया का मतलब है टूटना, द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि अदला बदली होना। यहाँ पर अदला बदली नहीं हो रही है, केवल ये ही इसको हटा रहा है। तो ये जो क्रिया होगी वो क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया आप पढ़ चुके हो, विस्थापन अभिक्रिया में आप देखते हो कि किसी यौगिक में से कोई तत्व उस दूसरी धातु को क्या कर देता है, तत्व को हटा देता है। तो इसका आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। फिर है लोह चूर्ण पर, लोहे का संकेत क्या है, Fe। Fe मतलब लोहा। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र है वो है HCl। तो आप समीकरण देख सकते हो, Fe प्लस HCl। तो जब भी धातु अम्ल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। आप यहां देखेंगे Fe Cl3 प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न, ये इसका समीकरण है। तो अब यहाँ पर चार उत्तर दिए हैं, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, तो ये आयरन क्लोराइड है, तो ये सही होना चाहिए। फिर और भी देख लेते हैं, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड बना ही नहीं, पानी कहीं नहीं है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल, जल का सूत्र है H2O, यहाँ कहीं भी आपको ऑक्सीजन नहीं दिख रही है। तो इसका आंसर होगा पहला। आप इसको समीकरण द्वारा इस प्रकार लिखकर सही उत्तर को चुन सकते हो। अगला है हमारा पांचवा प्रश्न है, ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये एस पानी से क्रिया कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, Aq जलीय विलयन, ऊष्मा निकल रही है, धन ऊष्मा, इसका मतलब है यहाँ ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो अब आपको अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े हुए हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया देखेंगे, यहाँ पर एक ही उत्पाद बन रहा है और ऊष्मा भी निकल रही, तो ये संयोजन अभिक्रिया भी है, तो अपन को एक उत्तर चुनना है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है, तो अब दोनों में से, अब तीसरा उत्तर है उपयुक्त दोनों, और फिर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों क्रियाएं हैं, यहाँ संयोजन भी है और ऊष्मा क्षेपी भी है, तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बहुविकल्पी प्रश्न भी आ सकते हैं, खालिस्तान भी आ सकते हैं। तो ये सब पहले पार्ट से सारे क्वेश्चंस हैं,
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक का मतलब होता है संकेत, संकेत के रूप में उसको निरूपित करना क्या कहलाएगा। तो आप पढ़ चुके हो इसका, तो इसका जो उत्तर होगा वो आप ढूंढ सकते हो, या मैं बता रही हूँ रासायनिक समीकरण। तो इसका उत्तर होगा रासायनिक समीकरण। और इसके पहले आपने पढ़ा है कि जब दो या दो से अधिक उत्पाद इकट्ठे हो जाएं और एकल उत्पाद बने, जैसे उदाहरण हम बता रहे हैं C+O2, ये देखिए दो है और मिलकर एक ही बन रहा है CO2, तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर खाली स्थान में आएगा संयोजन अभिक्रिया। इसका जो उत्तर रहेगा वो होगा ये संयोजन अभिक्रिया। फिर इसको पढ़ते हैं ध्यान से, थर्ड को, जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक, मतलब जो भाग लेने वाला है वो एक हो, और परिवर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक छोटे उत्पादों में यदि टूट जाता है, तो इसका उल्टा कर दीजिए आप संयोजन का। जैसे ये उदाहरण देखिए, CO2 रासायनिक अभिक्रिया के बाद कार्बन और ऑक्सीजन में टूट जाए, तो इस क्रिया को वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वियोजन। संयोजन का उल्टा क्या है, वियोजन। अगला क्वेश्चन है, जब एक अभिकर्मक अभिकर्मक जो भाग लेता है, ये सब क्या कहलाते हैं अभिकर्मक, दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि एक अभिकर्मक तत्व, ये देखेंगे आप, ये देखेंगे यहाँ Fe2O3 एक अभिकर्मक यौगिक है और ये अभिकर्मक तत्व है, तो इसने इसको हटा दिया, तो ये क्रिया क्या कहला रही है, विस्थापन अभिक्रिया। तो वही है, उसको परिभाषा के रूप में दिया है, तो एक तत्व अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित करना मतलब हटाना, तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। ये विस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ये देखो हम इसको एक उदाहरण के द्वारा दर्शा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, इसके ये आयन हैं। इन आयनों का आदान प्रदान हो जाए, इसका धन, इसका ऋण और इसका धन, तो यहाँ पर बनेगा BaCl2 और Na2SO4। तो इस प्रकार आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं, छठवां देखेंगे, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। इसमें आपने पूर्व में देखा कि देखेंगे यहाँ ऊष्मा भी निकल रही है, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो जिन क्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब गर्म हो जाता है वो, उसे हम क्या बोलेंगे, ऊष्मा, यहाँ पर आएगा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाते हैं। इस लेसन को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, और इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं इसमें बहुत सारे, जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आपको पुनः दोहराए जाएंगे। धन्यवाद।